हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एफएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 192 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लूज किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड हैगा, क्योंकि जो स्टॉक का 44 डेज का प्राइस निकल के आ रहा है वो 202 रुपीज का आएगा, पर स्टॉक उस प्राइस से तो नीचे आएगा। अभी जब भी आप देखें ट्रेंड भी थोड़ा ऊपरी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब पहले स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा था, अब स्टॉक जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से थोड़ा नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है। इसका रीजन स्टॉक 202 रुपीज से नीचे है। जब तक स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड फिर से देखने को नहीं मिलेगा, जब तक स्टॉक 202 रुपीज के प्राइस से ऊपर नहीं होगा। दूसरा, स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। रीजन है कि स्टॉक का जो पिछला हाई था वो 193 रुपीज था और स्टॉक अभी करंट लेवल पर 193 रुपीज के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक यहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है, मतलब यहां से स्टॉक ट्रेंड हो सकता है ऊपर में। अगर स्टॉक 202 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाता है तो फिर से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर के टारगेट की बात करें तो 225 रुपए के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे में 192 रुपीज के क्लोजिंग, इससे नीचे क्लोजिंग देता है, जो कि अभी स्टॉक इस प्राइस के पास ही ट्रेड कर रहा है, अगर आप मान के चले तो अराउंड 190 रुपीज का स्टॉप लूज रख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे। और अगर स्टॉक इस प्राइस से नीचे जाता है तो वहां पर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है और स्टॉक नीचे में 185 रुपीज के प्राइस को भी रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल है वो थोड़ा नीचे का आएगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लूज के साथ पोजिशन बनाए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा।